राहों की जहमतों का तुम्हें क्या सबब दूं, मंजिल मिली तो पांव के छाले ना रहे। संघर्ष के रास्ते पर चलकर सफलता की बुलंदी पर पहुंचने की कहानी है हरियाणा की सनसनी सपना चौधरी की। वही सपना चौधरी जिसने सलमान खान के बिग बॉस में जगह बनाई, बॉलीवुड में एंट्री की। संघर्ष इतना लंबा रहा कि आज लोग उनकी सेलिब्रिटी वाली आलिशान लाइफ देखते हैं। अतीत में उन्हें कितने ही जख्म मिले, हर रोज तानों को सहा। खैर, आज सपना चौधरी एक आरामदायक जीवन जी रही है। सालाना कमाई 50 करोड़ रुपए है। सपना चौधरी ने अपनी सफलता और शोहरत से हरियाणा के पुरुषवादी समाज को आंखों में आंखें डालकर सीधी चुनौती दी। वो पुरुष जो एक औरत को नाचना देखना तो पसंद करते थे, मगर उसके फन की कदर करने की बजाय उस पर अभद्र टिप्पणियां करने से भी गुरेज नहीं करते थे। पर सपना चौधरी ने एक बात तो सिद्ध कर दी कि हरियाणा की छोरियां किसी से कम नहीं। सपना चौधरी एक सनसनी की तरह मनोरंजन की दुनिया में आई और एक ऐसा विस्फोट किया कि आज देश भर में बेशुमार दीवाने सपना के हैं। सपना की कार्यशैली व्यक्तित्व को बेशक विवादित माना गया, मगर क्या उनके पास कोई और रास्ता था? छोटी उम्र में ही पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक जिम्मेदारी सपना पर आन पड़ी, पर सपना ने हिम्मत नहीं हारी। अपने हुनर और फन की बदौलत एक खास मुकाम हासिल किया तो पुरुषवादी समाज में महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता बनाया। सपना की संघर्षमय कहानी पर एक नजर। सपना चौधरी का जन्म 25 सितंबर 1990 को दिल्ली के महिपालपुर में हुआ। उनके पिता रोहतक में एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। साल 2008 में उनके पिता की मौत हो गई। सपना की परवरिश पैसों की तंगी के अभाव में हुई। सपना सीनियर सेकेंडरी तक ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकी। परिवार की जिम्मेदारी सपना ने अपने कंधों पर ले ली। ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ज्वाइन किया। 18 बरस की उम्र में ही सपना डांस करने लगी। शुरुआत में उन्हें महज 1000 रुपए मिलते थे। सपना शुरुआती समय से ही जिद्दी और स्वाभिमानी रही। आर्थिक तंगी एक समय में ऐसी थी कि उनकी माँ को अपना घर गिरवी रखना पड़ा। माँ के आंसू सपना से देखे नहीं गए। ठान लिया कि अपनी पुश्तैनी घर को छुड़वाएंगी। पाई पाई जुटाकर उन्होंने ऐसा ही किया। ऑर्केस्ट्रा के बाद अब सपना रागनी कलाकारों के साथ कार्यक्रम में जाने लगी। हरियाणवी रागनियों पर डांस करने लगी। उन्हें एक कार्यक्रम के अब 3000 रुपए मिलने लगे। सपना चौधरी को प्रसिद्धि मिली सॉलिड बॉडी सॉन्ग से। अजय हुड्डा की ओर से गाए इस गीत के बाद तो सपना रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद सपना ने एक से एक हिट गाना दिया। हरियाणा से लेकर यूपी और दक्षिण भारत तक के लोग उनके डांस के दीवाने हो गए। गजबन पानी ने चाली, तेरी अखियां का काजल, मेरा चांद, बोल तेरे मीठे, सपना के लाजवाब गानों की फेहरिस्त लंबी होती चली गई। पर सपना के जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब वो हताश और तनाव में डूबती चली गई। सितंबर 2016 में उन्होंने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। एक विवादित रागनी को गाए जाने के बाद सपना पर गुड़गांव में एक केस दर्ज हो गया था। इसके बाद से ही सपना परेशान रहने लगी। उधर सपना के डांस वीडियो यूट्यूब पर सनसनी बन गए। सपना की डिमांड बॉलीवुड में भी होने लगी। उन्होंने नानू की जानू, भांगोर और वीरे की वेडिंग में आइटम सॉन्ग किया। सपना एक सेलिब्रिटी बन गई। साल 2017 में उन्हें बिग बॉस से न्योता आया। बिग बॉस में भी उनका बेबाक अंदाज नजर आया। कभी 3000 रुपए लेकर स्टेज पर डांस करने वाली सपना की आज एक महीने की कमाई 1 करोड़ से भी अधिक है, यानी सालाना कमाई 15 करोड़ रुपए है और उनकी कुल संपत्ति 60 करोड़ से अधिक है। नजफगढ़ में आलीशान मकान है। अपने चंचल स्वभाव के लिए मशहूर सपना ने जनवरी 2020 में हरियाणवी गायक वीर साहू से मैरिज की और अक्टूबर 2020 में उन्हें बेटा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।